हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जेएन ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम एग्जांपल वन की बात करेंगे। हम चैप्टर थ्री पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इस एग्जांपल वन में कहा गया है, लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ गिवन इन सेक्शन 3.1। अखिला गोज टू अ फेयर विद 20 रुपीज एंड वॉन्ट्स टू हैव राइड्स ऑन द जायंट व्हील एंड प्ले हुपला। Represent this situation algebraically and graphically. अखिला जो एक मेले में जाती है और सेक्शन 3.1 में इसकी बात बताई गई है। 20 रुपये उसके पास टोटल है और वो बड़े से झूले में झूलना चाहती है, जाइंट व्हील के अंदर, और हुपला भी खेलना चाहती है। तो अब इस सिचुएशन को हमें ग्राफिकली और एल्जेब्रिकली दोनों तरीके से रिप्रेजेंट करना है। तो ये सेक्शन हमारा 3.1 है। इसमें यहाँ हम देखें, बताया गया है कि द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला इज हाफ द नंबर ऑफ राइड शी हैड ऑन जायंट व्हील। इसका मतलब ये हो गया कि जितने बार वो जायंट व्हील में झूला झूलती है, तो नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला इज हाफ द नंबर ऑफ राइड्स का मतलब ये हुआ कि हुपला जो है नंबर ऑफ राइड जितने भी लेती है उसके आधा वो हुपला खेलती है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं, जैसे मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला, उसको मान लेते हैं जितने बार उसने, मान लेते हैं कि एक्स बार उसने हुपला खेला एंड वाई बी द नंबर ऑफ राइड्स, मान लेते हैं वाई को नंबर ऑफ राइड्स ऑफ जायंट व्हील। तो इसके एतबार से अगर हम देखें कि जो वो हुपला प्ले कर दी है वो एक्चुअल में नंबर ऑफ राइड्स के हाफ है, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि जो हुपला उसने खेला, यानी हुपला को हमने एक्स माना है और वाई बी द नंबर ऑफ राइड्स, और हुपला जो है नंबर ऑफ राइड्स जितने भी लेती है वो उसके आधा होता है। तो पहली इक्वेशन तो हमारी ये बन गई, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन जो बनेगी वो दूसरे हिसाब से बनेगी। If the ride cost 3 rupees and a game of hoopla cost 4 rupees, अगर हर एक राइड की जो कीमत है जो वो जाइंट व्हील में झूल रही है वो 3 रुपए है, यानी एक राइड की कीमत अगर 3 रुपए है और हुपला जो गेम है उसकी कॉस्ट 4 रुपए है, तो हाउ वुड यू फाइंड द नंबर ऑफ राइड्स शी हैड। तो बताइए नंबर ऑफ राइड्स उसके पास, उसने कितने राइड लिए एंड कितने बार उसने हुपला खेला अगर वो 20 रुपये खर्च करती है, ठीक है। तो यहाँ बताया गया कि हुपला के 4 रुपये हैं, ठीक है, और देखो हुपला के 4 रुपये इंटू उसने नंबर ऑफ राइड्स जितने बार हुपला खेला उसको हमने x मान लिया, ठीक है, प्लस एक राइड के हमने माने y रुपीज, और उसमें टोटल कॉस्ट जो होगी उसके हिसाब से वो 3 रुपए है एक राइड के, ठीक है। इस तरह से टोटल पैसे जो खर्च करती है, टोटल रुपए जो खर्च करती है वो है 20 रुपए उसके पास। तो इस हिसाब से इसकी इक्वेशन बनेगी 4x प्लस 3y इक्वल टू 20। तो ये जो हमारा इक्वेशन 1 और 2 आया है इसको हम कहते हैं एल्जेब्रिकली हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमसे ये कहा गया है कि आपको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है, तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें हर एक इक्वेशन से, यानी इस पहले इक्वेशन से दो सॉल्यूशन चाहिए और दूसरे इक्वेशन से भी दो सॉल्यूशन चाहिए। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, करना ये होगा कि हमारे पास जो पहली इक्वेशन है, यानी बाई इक्वेशन वन जो कि है एक्स इक्वल टू वन अपॉन टू y, अब यहाँ हम देखेंगे कि जो पहली इक्वेशन है यानी y जो है
एक्स जो है वाई पे डिपेंड कर रहा है, तो हम सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? सॉल्यूशन दरअसल एक सॉल्यूशन जो होता है, जैसे एक्स और वाई की जो वैल्यू आएगी वो दरअसल नंबर लाइन में एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो हमें ग्राफ बनाने के लिए इस इक्वेशन से एक लाइन ड्रॉ करनी होगी और इस दूसरे इक्वेशन से भी एक लाइन ड्रॉ करनी होगी। अब लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें मिनिमम दो सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है। तो दो सॉल्यूशन देखते हैं कैसे मिलेंगे। यहाँ मैंने एक बॉक्स ले लिया है जिसमें एक्स और वाई की मैं अलग अलग वैल्यू सपोज करके देखूंगा, ठीक है। तो अगर मैं इस इक्वेशन में वाई की वैल्यू, क्योंकि ये इक्वेशन जो एक्स है वो वाई पर डिपेंड कर रहा है, अगर मैं जीरो मान लेता हूँ तो एक्स की वैल्यू अगर निकालूं वाई की वैल्यू को पुट करके, तो वाई की वैल्यू अगर मैं जीरो मानता हूं तो जीरो रखना पड़ेगा इस वाई की जगह पर, तो हमें जीरो से मल्टीप्लीकेशन होगा हाफ का, तो जीरो ही रहेगा। यानी वाई को जीरो लेने पर हमारा एक्स जीरो आ रहा है। तो पहला जो सॉल्यूशन मिला है हमें, वो हमें मिला है 0,0, ठीक है। ये एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब हमें, मैंने कहा था लाइन बनाने के लिए कम से कम दो सॉल्यूशन चाहिए, तो हमें एक्स और वाई की एक और वैल्यू चाहिए एक एक। तो अगर अब मैं वाई को यहाँ इस इक्वेशन के अंदर, इस इक्वेशन में अगर वाई को मैं 2 मान लूँ, ठीक है, और फिर पुट करके देखूँ 1/2 और वाई की जगह पर पुट करके देखूँ 2, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमें फाइनली 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 1 मिल रहा है, यानी जो दूसरा पॉइंट मिला है हमें, यानी दूसरा सॉल्यूशन जो मिला है वो एक्स कॉमा वाई यानी 1,2 हमें मिल गए। तो इससे हम एक लाइन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमें दूसरे सॉल्यूशन से भी, दूसरा जो इक्वेशन है उससे भी दो सॉल्यूशन चाहिए। अब क्या करेंगे, ये जो हमारे पास इक्वेशन है 4x + 3y = 20, ये हम ट्रांसफॉर्म कर, इसको हम पहले ट्रांसफॉर्म करेंगे किसी एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, चाहे x या y। तो मैं एक्स के वाई के रेस्पेक्ट में कर लेता हूँ। तो 3y को जब ट्रांसपोज करूँगा तो ये माइनस में जाएगा, और x के साथ जो 4 है उसको मैं अगर ट्रांसपोज करूँ तो ये डिवाइड में चला जाएगा। अब यहाँ से हमें दिख गया कि ये पूरी इक्वेशन है वो y के रेस्पेक्ट में जा चुकी है। अब यहाँ से हम दो सॉल्यूशन पता करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि ये जो इक्वेशन है y पर डिपेंड कर रही है, तो y की अलग अलग वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो अगर मैं y की वैल्यू इसी कंडीशन में 0 ले लेता हूँ, तो 0 पुट करके देखूंगा, तो y की जगह पर अगर मैं 0 पुट कर देता हूँ इसमें, तो देखूंगा क्या आती है। तो 3 0 0 ही रहेगा वो, ठीक है, डिवाइड बाई 4, एंड 20 - 0 20 ही है डिवाइड बाई 4। तो फाइनल हमारे पास जो इक्वेशन मिल रही है 0 लेने पर x की, वो मिल रही है 5। यानी पहला जो हमें सॉल्यूशन मिला है वो मिला है 5,0, जो एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। अब क्योंकि इससे भी लाइन बनानी है तो मुझे एक और सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है। तो अब मैं y की ऐसी क्या वैल्यू लूँ कि वो मेरे पास x की दूसरी वैल्यू मिल जाए। तो अगर मैं इस इक्वेशन के अंदर, ये जो हमारी इक्वेशन है इसमें, वैसे तो मर्जी आपकी, कोई भी इक्वेशन दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर अब क्या ले लूँ, चलिए मैं यहाँ पे 3 ले लेता हूँ, ठीक है, और इसके अंदर पुट करके देखता हूँ। तो x इक्वल टू 20 - 3, 3y है और y को मैंने 3 पुट करा सपोज किया है, डिवाइड बाई 4। तो 20 - 3, 3 = 9 हो जाएगा डिवाइड बाई 4, और 20 - 9 ये हो जाएगा 11 डिवाइड बाई 4। तो हमारे पास जो x की दूसरी वैल्यू आई है वो आई है 11/4। तो हमारे पास दोनों इक्वेशन से दो दो सॉल्यूशन मिल चुके हैं। तो अब हम फाइनली क्या करेंगे, फाइनली अब हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो ग्राफ बना लेते हैं, मुझे एक लाइन लेनी पड़ेगी। मैंने एक वर्टिकल लाइन ले ली और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता हूँ। ये मैंने
दो लाइन ले ली, तो ये हमारा x एक्सिस है जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये हमारा y एक्सिस है। अब हमें करना क्या होता है, स्केल को चूज करना होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे स्केल चूज कर लेता हूँ, x एक्सिस को मैं यहाँ पे चूज करूंगा 1 यूनिट को मान लेता हूँ, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम x और y की वैल्यू में हमें दिख रहा है कि मैक्सिमम हमारे पास x की वैल्यू 5 है और y की मैक्सिमम वैल्यू 3 है। तो यहाँ मैं 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर के बराबर मान लेता हूँ। ठीक है, इसी तरीके से y एक्सिस को भी मैं y एक्सिस पर 1 यूनिट को 1 सेंटीमीटर के बराबर मान लेता हूँ। ये मैंने स्केल ले लिया। ठीक है, अब क्योंकि मैंने 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट को 1 सेंटीमीटर माना, तो मैं इनकी डिवीजन कर दूंगा। ये स्केल से करना होगा आपको, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब ये जो हमने लिया है, ये ओरिजिन तो हमारा 0,0 पे ही रहता है। ठीक है, फिर ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारे पास जो इक्वेशन पहली वाली इक्वेशन से जो सॉल्यूशन मिले थे वो हमारे क्या मिले थे, एक तो हमारा जो पहला सॉल्यूशन मिला है वो है 0,0 यानी ये, तो 0,0 तो हमारा सीधे सीधे यहाँ पे आ जाएगा। और जो दूसरा सॉल्यूशन मिला था हमें पहली इक्वेशन से, वो मिला था 1,2 यानी x एक्सिस अगर 1 है, ये हमारा x एक्सिस 1 है और y एक्सिस कितना है 2। तो अगर मैं स्केल से ऐसे चलूं और इसको रिप्रेजेंट करूं, ठीक है, तो हमारा पॉइंट तकरीबन यहां पर आएगा जो 1,2 को रिप्रेजेंट करेगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे करना ये है कि एक लाइन लेनी है, क्योंकि मुझे लाइन ही बनानी थी असल इस इक्वेशन के जरिए से। तो मैं क्या करूंगा, ये मैंने इन दोनों पॉइंट को जोड़ दिया। ठीक है, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ, तो ये हमारी लाइन बन गई। ठीक है, पहली इक्वेशन की। और हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं, हमारी जो इक्वेशन है वो है x इक्वल टू 1/2 y। ठीक है, तो हमारी पहली लाइन बन गई जो हमें चाहिए थी। इसी तरीके से ये जो दूसरा इक्वेशन है, इसके भी दो सॉल्यूशन मिल चुके थे। तो हमारा जो पहला सॉल्यूशन आया है वो 5,0 है, यानी x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 0 है, तो वो यहीं पर लाई कर जाएगा। तो हमारा ये लाई कर गया यहीं पर। उसके बाद जो दूसरा सॉल्यूशन है वो हमारे पास मिला है, x की वैल्यू है 11/4 और y की वैल्यू है 3। अब ये 11/4 कैसे मिलेगा, तो सिंपल सी बात है कि 11/4 का मतलब है कि ये तो पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली 0 के राइट साइड में ही मूव करेंगे हम। ठीक है, और ये जो डिनोमिनेटर में 4 है, यानी 0 से 1 के बीच में जो डिवीजन होंगे वो 4 होंगे, यानी 1 2 3, और ये 4। और क्योंकि हमें 11 पे जाना है, तो हम कैसे जाएंगे, 1 से 2 के बीच में बीच 4 डिवीजन होंगे, तो ये 4 डिवीजन हो गए। फिर अगेन 2 से 3 के बीच में ही 4 डिवीजन होंगे, 1 2 3 4। ठीक है, अब यहाँ से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यह हमारा ये जो है ये वाला, ये 11/4 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, यानी हम हर एक को यह x एक्सिस पे जो है उसके 4 डिवीजन करेंगे, इक्वल डिवीजन 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, अब काउंटिंग करेंगे हम, क्योंकि हमारा न्यूमरेटर कितना है 11 है, तो यहाँ से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये हमारा 11 आ गया। अब 11/4 x है, तो y कितना है हमारा 3 है, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से आएगा। जब मैं स्केल से इसको रिप्रेजेंट करूँगा तो मेरा ये जो है कहाँ पे मैच करने वाला है, लगभग हमारा इस तरीके से मैच करता हो जाएगा। यानी ये वाला जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है हमारा, क्या होगा, ये हमारा
11 बाई 4 कॉमा 3, ये हमारा पॉइंट है। ठीक है, तो अब क्या करना है मुझे, एक लाइन ड्रॉ कर देनी है फौरन। तो मैं इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाता हुआ पास करवाऊंगा, ये हमारा, और इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूंगा। तो ये हमारी पास इक्वेशन आ चुकी है। ठीक है, दूसरे लाइन की दूसरा लाइन हमें दिखाना था, दूसरी इक्वेशन हमारी कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रही है। और यहाँ पे हम लिख देते हैं इस लाइन पे 4x प्लस 3y इक्वल टू 20। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे ग्राफिकली हमने रिप्रेजेंट किया और कैसे हमने जो हमारे पास सिचुएशन थी एलजेब्रिकली हमने ये दो इक्वेशन बनाई, और फिर हमने इसको ज्योमेट्रिकली यानी ग्राफिकली दिखाने के लिए पहले हमने दोनों इक्वेशन से दो दो सॉल्यूशन निकाले, उसके बाद हमने इसको रिप्रेजेंट करवा दिया। ठीक है, फिर भी कोई डाउट हो तो लेट मी नो इन द कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।